एक-एक पोल खोलेगी और इसकी जद में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री भी आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जेजेएम महाघोटाला, सीबीआई खोलेगी फर्जीवाड़ा, दर्ज हो गई एफआईआर, शुरू हो गई बड़ी जांच। भ्रष्ट अधिकारियों की सीबीआई खोलेगी पोल। 900 करोड़ का घोटाला किसने कर डाला? राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और घोटाले के कई आरोप लगे तो एसीबी और ईडी की जांच में इस मामले में बहुत सी परतें खुली थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया है। फिलहाल मामले को लेकर के सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। गाँव में हर घर तक नल से जल पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की अब सीबीआई भी जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। सबसे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में घूसखोरी और कमीशन खोरी को लेकर ट्रैप की कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी अवैध रूप से धन के लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। इसमें पीएचईडी के अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना और ठेकेदार पद्मचंद जैन महेश मित्तल को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अज्ञात सरकारी कारिंदों और निजी व्यक्तियों का भी इस केस की एफआईआर में जिक्र किया गया है। ईडी, एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई, श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर, ठेकेदार पद्मचंद जैन महेश मित्तल की खुलेगी पोल, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भी घोटाले में लिप्त, पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी, विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस, 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई नए सिरे से करेगी जांच। दरअसल राज्य सरकार ने 18 मार्च को इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर लेने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ था जब पिछले साल एसीबी ने कार्रवाई की थी और पीएचईडी के एक्सीएन मायालाल सैनी और जेईएन प्रदीप कुमार को ठेकेदार पद्मचंद जैन से 2,20,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा था। इस मामले के अंदर और गिरफ्तारियां भी हुई थी। बाद में सामने आया कि इस मामले के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए गए थे और हरियाणा से चोरी किए गए पाइप भी इस मिशन के अंदर बिछाए गए थे। सितंबर 2023 में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2.5 करोड़ की नकदी, 1 किलो सोना जब्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के घर पर भी तलाशी ली थी। इसके अलावा महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा और अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। मामले में जांच और पूछताछ के बाद में ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया था, लेकिन उस दौरान महेश जोशी ईडी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे। अब मामले में सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर बीजेपी सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने दावा किया है कि पिछली गहलोत सरकार के समय हुए इस ऐतिहासिक घोटाले में जो भी दोषी है, चाहे मंत्री हो या कोई अधिकारी या कोई इंजीनियर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सभी दोषी सलाखों के पीछे होंगे। बड़ी जिम्मेदारी तो जो जनप्रतिनिधि जनता का चुन गया था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है और उसके साथ साथ जो अधिकारी ने उनके साथ जो भाग लिया, जिन्होंने जो काम किया, वो सब दोषी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा दोषी वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको लूटने की छूट दी, जो लूट के अपने कर गया, तो वो भी दोषी है। जो भी इसमें वर्किंग में जो भी पार्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जिसने भी इसमें लगाया, सभी दोषी है। इसके अंदर सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, ईमानदारी से हम जांच करेंगे तो इसमें कम से कम 6 महीने लेंगे कि उसके मेजरमेंट चढ़ाया, मेजरमेंट चेक करेंगे, मौके पे जाके जो पाइपलाइन है दबी है उनको दबी नहीं दबी सारी चीज़ें काम करेंगे,
अभी गर्मी के महीने में तो हम कुछ काम करने के लिए हमारे इंजीनियर्स को समय नहीं है। सीबीआई को भी हम कोई तथ्य देंगे, उनको भी समझाएंगे। सीबीआई कोई है तो आते ही तो ये नहीं कि उसको कोई केवल स्क्रीन करके उसको देख लेगी, वो भी मौके पर जाएगी, फील्ड में जाएगी, फील्ड में उनको बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या मैं भुगतान हुआ है, तो वो सारी चीज़ें में आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को? बड़ा कदम है हालांकि सीबीआई को जांच देना, आप एज ए मिनिस्टर 24 के अंदर अंदर हम जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई जांच करके उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। फिलहाल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी साफ कह दिया है कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं सीबीआई में केस दर्ज होने के बाद से पूर्व मंत्री महेश जोशी की भी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। गलता गेट दिल्ली रोड पर पकड़ा 200 किलो पनीर, मौके